दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल से खास बातचीत की संवाददाता दिव्य गौड़ ने। जयपुर शहर लोकसभा सीट के लिए ज्योति खंडेलवाल जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है, उन्होंने आज जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव के सामने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। बात करते हैं ज्योति खंडेलवाल से। ज्योति जी, किस तरह नामांकन आपने प्रस्तुत किया, बहुत सभा के रूप में आप यहाँ पे आए, कैसे देखते हैं? आज नामांकन की सभा रखी गई पहले, जिसे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने, विवेक बंसल जी ने, प्रताप सिंह जी ने, महेश जी ने, जयपुर के सभी लीडर ने उसको संबोधित किया और उसके बाद हम रैली के रूप में, पैदल रैली के रूप में यहाँ पर आए हैं। और जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था वो देखते ही बनता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जोश और जज्बा 6 तारीख को मत में परिवर्तित होगा और कांग्रेस को जयपुर की सीट जीत के रूप में मिलेगी। जयपुर की जो MP की सीट थी, परंपरा के जो ब्राह्मण सीट कहा जाता था, वहाँ पे वैश्य बनाम ब्राह्मण होगा, तो किस तरीके से चुनावी को देखते हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जयपुर जाति धर्म पर चुनाव लड़ता ही नहीं है। यहाँ का भाईचारा इतना मजबूत है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं, एक दूसरे के तीज त्योहार पे भागीदार होते हैं, एक दूसरे के व्यवसाय में, रोजी रोटी में भागीदार होते हैं। तो जयपुर का चुनाव जाति धर्म संप्रदाय पे नहीं लड़ा जाता है, जयपुर का चुनाव भाईचारे का चुनाव है। जयपुर का चुनाव उसका चुनाव है जो उनके सुख दुख में भागीदार बने, जो उनका प्रतिनिधित्व करे। जयपुर का चुनाव उसका चुनाव है जो जयपुर का विकास करके दिखाए। विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं प्रथा टूटी है, तो कहीं ना कहीं नई प्रथा तो नहीं डल गई? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि विधानसभा में 8 में से 5 सीटें हम जीत करके आए हैं। कांग्रेस को बहुत अच्छा बहुमत यहाँ पर मिला है और वही बहुमत और दुगुना तिगुना होकर के, क्योंकि अब हमारे विधायकों की ताकत जुड़ गई है, राजस्थान सरकार के कामों का और ज्यादा जो है जनता में विश्वास पनप गया है, तो ये जो लीड है वो और दुगनी तिगुनी होकर। आचार संहिता को लेकर कितनी पालना की जाएगी? पूरी पालना की जाएगी, कंप्लीट। ये थे ज्योति खंडेलवाल जो कांग्रेस से प्रत्याशी है। इन्होंने कहा कि आचार संहिता की पूरी तरीके से पालना की जाएगी, साथ ही इस बार का जो चुनाव होगा वो सभी को साथ लेकर, सभी के साथ लड़ा जाएगा और एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ दिव्य गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।